खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बनारस तहसील सदर ग्राम सभा गोसाईपुर मोहाय में 16 वर्षीय ऋषिका यादव उर्फ ऋषु 18 जुलाई 2024 से हुई लापता। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बनारस के गोसाईपुर मोहाय ग्राम सभा निवासी लालजी यादव की पुत्री ऋषिका यादव 18 जुलाई 2024 से हुई गुम। परिजनों ने थाना चोलापुर में गुमशुदा की दी तहरीर और पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। राम अवध यादव ने बताया कि ऋषिका यादव उर्फ ऋषु दीपराज इंटर कॉलेज कटारी में कक्षा 11 में पढ़ती थी। उस दिन भी पढ़ने के लिए घर से निकली थी। ऋषिका यादव उर्फ ऋषु जो 18 जुलाई 2024 से लापता है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। जिस किसी को भी यह लड़की दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। दादा आपका नाम? रामोद यादव और बनारस जिला थाना चोलापुर गोसाईपुर महा खाले गांव रामोद यादव। अच्छा ये बताइए, आप कई दिनों से देख रहा हूँ मैं, परेशान है, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है भैया कि हमारी पोती स्कूल गई, वहाँ से वो बेड़ोकिस के सामने सड़क है, वहाँ से गई, कहाँ गई ये पता नहीं कहाँ गई। क्या नाम था बच्चे का? उसका ऋषु ऋषु यादव नाम था। ऋषिका कहिए या ऋषु कहिए, दो नाम था। कितने तारीख से गए? ये 18 तारीख 11 बजे दिन का है। आपने तहरीर दी है पुलिस स्टेशन में? हाँ जी, हाँ जी दिए है, थाने में रिपोर्ट दिए है। और अच्छा बच्ची को कुछ चेहरे पे निशान वगैरह? हाँ, बगल में, गर्दन के बगल में उसको सफेद है। अच्छा निशान है। निशान है। कितने साल लगभग बच्ची का उम्र होगा? 16 साल। तो आप लोगों को कुछ जानकारी नहीं, कैसे आती थी जाती थी आप लोग? आने जाने को भैया तो हमेशा आती जाती थी, तो हम लोग को इतना ये अनुभव थोड़ी था कि कोई उठा ले जाएगा ये बात, मगर ये अनुभव रहता था हम उसको रेडी रहते, बाकी ये अनुभव नहीं था कि हमारी बच्ची जा रही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं किए है, कि किसी से किसी बार झगड़ा किए, कुछ बात नहीं है, कोई दुश्मनाई नहीं है हमारे गांव से। हम किसको बतावा कि नहीं हाँ ये ऐसा ये ले गया है, ये काम किया है। अच्छा बच्ची कहाँ पढ़ती थी, कौन सा स्कूल में पढ़ती थी? दीपराज स्कूल में पढ़ती थी कटारी। तो वहाँ पे भी आप लोगों ने सूचना दिया वहाँ पे? हाँ हाँ, खूब सूचना दी है, वहाँ का तस्दीक किया है, लड़की लड़का को सबको पूछा गया है, वो कोई उसमें उसका कोई उमन कोई नाम निशान नहीं आया लड़की का, किसी लड़का के साथ कोई बात भी नहीं है। मोबाइल वोबाइल लेकर जाती थी? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, मोबाइल नहीं लेके जाती थी, एकदम उसका झोला टिफिन बस। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।